आपने 2-3 दिन पहले सुना होगा कि उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू धर्म को यानी कि सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने की बात की और बोला है कि कोरोना मक्खी मच्छर की तरह यह धर्म है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। खैर, ये तो इनका पॉलिटिकल बयानबाजी है, वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक के लिए इन्होंने सब कुछ बोला है, सबको पता है। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म में देखेंगे तो कुछ बातें ऐसी हैं हिंदू धर्म में जिसमें आधे से ज़्यादा हिंदू लोग आपस में ही बटे हुए हैं और इन बातों का जवाब या तो कोई देता नहीं है या फिर देता है तो गोलमोल तरीके से देता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था चलती है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बनाए गए हैं। और अगर आप किसी से पूछेंगे हिंदू धर्म में तो वो आपको बताएगा कि ये वर्ण व्यवस्था जो है जन्म आधारित होती है। किसी दूसरे आदमी से पूछेंगे वो लोग बोलेंगे ये कर्म आधारित होती है। किसी तीसरे आदमी से पूछेंगे वो लोग कहते हैं कि भाई जन्म और कर्म दोनों पर आधारित होती है, यानी दोनों पर डिपेंड करती है। तो हिंदू लोग खुद ही इस बात पर कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई जन्म आधारित है, कर्म आधारित है, क्या है कैसा, उन्हें खुद पता नहीं रहता आधे से ज़्यादा लोगों को। लेकिन यहाँ पर जब भी पूछा जाता है कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में क्यों है तो कुछ लोग आके ये जवाब देते हैं, देखो जन्म आधारित नहीं है, कर्म आधारित है। चलो एक बार के लिए मान भी लूँ मैं कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में है, तो एक बात मुझे बताओ, अभी मैं कोई कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ तो मेरा धर्म शूद्र हो गया, ठीक है। फिर उसका मैंने क्या किया, 2-3 दिन बाद अपना एक बिजनेस शुरू कर दिया तो मैं वैश्य बन गया, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ पूजा पाठ पंडे पंडितों वाले काम कराने शुरू कर दिए तो मैं ब्राह्मण बन गया। तो यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि अगर ये हर दिन चेंज हो रहा है, कभी मैं ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जा रहा हूँ, कभी शूद्र बन जा रहा हूँ, फिर दोबारा से ब्राह्मण बन जा रहा हूँ, हर दिन ये चेंज होते जा रहा है मेरे एक्शन के हिसाब से या जो मैं काम कर रहा हूँ उस हिसाब से, तो भाई इन 4 कैटेगरी को रखने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन अगर आप जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था मानते हो तो आपको पूर्व जन्म को भी मानना पड़ेगा। लेकिन आधे लोग पहले वाले कॉन्सेप्ट को मानते हैं, आधे लोग जन्म आधारित वाले को मानते हैं, हिंदुओं में खुद में ही कंफ्यूजन है। और दूसरी बात यहां पे आती है, आपने सुना होगा हिंदू धर्म को अगर आप ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो हिंदू धर्म एक कॉन्सेप्ट देता है अहिंसा का। आपने सुना होगा अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा परम धर्म, यानी कि अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट देता है हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म में मीट, मांस, शराब, ये सारी चीज़ों को खाने का निषेध है, ये चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो आपने खुद ही देखा होगा, अपने आसपास ही देखा होगा कि बलि प्रथा कितने जोरों शोरों से हिंदू धर्म में चलती है, बकरे कैसे काटे जाते हैं आपको पता होगा। और आपने देखा होगा ऐसे कि बहुत सारे हिंदू धर्म में देवी देवता भी हैं जिनको बलि चढ़ती है, आपने देखा भी होगा, मैं कोई अपने मन से बात नहीं कह रहा। तो आप खुद ही सोचो ना, यहाँ पे हिपोक्रेसी सामने आती है कि हिंदू धर्म एक तो कहता है कि भाई अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा हमें करनी नहीं चाहिए, दूसरा ऐसे देवी देवता भी हिंदू धर्म में हैं जिन पे बलि चढ़ती है, मतलब जिनके सामने बकरी काटी जाती है, जो भी किया जाता है बलि वाला काम किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा आधे से ज़्यादा लोग ऐसे दिखेंगे आपको जो मीट मांस नहीं खाते हैं, और आधे लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो मीट मांस खाते हैं, मुर्गा भी खा लेते हैं, बकरी खा लेते हैं, बना जाने क्या क्या खा लेते हैं, लेकिन तब भी वो अपने आप को हिंदू कहते हैं। तो हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट जो है, आप हिंदू धर्म के रूल मानो तब भी आप हिंदू हो, आप हिंदू धर्म के जो रूल हैं वो नहीं मानो तब भी आप हिंदू हो, ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरे हिंदू धर्म में। और एक और चीज़ आपने देखी होगी हिंदू धर्म में, मनुस्मृति बहुत ज़्यादा विवादित ग्रंथ है। देखो अगर मनुस्मृति की बात करोगे तो मनुस्मृति में 5-6 श्लोक ऐसे हैं जिसमें महिलाओं के बारे में, शूद्रों के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं जो अभी के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है, वो अभी के हिसाब से गैरकानूनी टाइप आप समझ लो। लेकिन तब भी आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग मनुस्मृति का समर्थन भी करते हैं, और आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो लोग क्या करते हैं, मनुस्मृति का वो श्लोक जो विवादित श्लोक है उस श्लोक को अंडरलाइन कर देंगे, उसमें लिख देंगे कि ये प्रक्षिप्त है, ये अंग्रेजों द्वारा मिलावट किया गया है, हमारे धर्मग्रंथों को बदनाम करने की कोशिश की है। एक इस टाइप की भी प्रजाति रहती है हमारे देश में। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि कोई भी सवाल पूछो उनके समझ में उसका जवाब नहीं आएगा, या फिर उनको लगेगा कि अरे हम अब क्या बोलें, तो वो क्या कर देंगे, उस चीज़ को काट के नीचे लिख देंगे प्रक्षिप्त है, ये अंग्रेजों द्वारा मिलावट की गई है। हर बात में इन लोगों का ऐसा ही रहता है कि भाई ये चीज़ प्रक्षिप्त है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ मिलावट कर दी गई है, अंग्रेजों ने डाल दिया, न जाने मुगलों ने डाला है, किसने डाला है, ऐसा करके ये लोग बना देते हैं हर चीज़ को। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप इस बारे में क्या सोचते हो, हिंदू धर्म में जो मैंने अभी तक हिपोक्रेसी बताई है आपको, दोगलापन जो बता रखा है, इस बारे में आप क्या सोचते हो, आप सहमत हो असहमत हो, अपनी बात कमेंट में लिख के जरूर से जाना, कमेंट में जरूर से लिखना, भूलना मत।